हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे BMFT मींस वेरियम मील फॉलो थ्रू। वेरियम मील फॉलो थ्रू पहले अपन ने पढ़ा था, वेरियम सेलो, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा वेरियम मील, अब पढ़ रहे हैं वेरियम मील फॉलो थ्रू। इसके बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये क्या है, देखिए ये क्या है, एक एग्जामिनेशन है जो कि अपन किसके लिए करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए करते हैं। किसके लिए? स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। तो इट इज ए रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ किसके लिए है? स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, स्मॉल वॉल लूप किसके द्वारा करते हैं? देखिए बेरियम, ठीक है, बेरियम के साथ कर रहे हैं, बेरियम मील मींस बेरियम के साथ कर रहे हैं, लूप Y BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। इट इज ए रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ स्मॉल वॉल लूप वाई वेरियम सल्फेट। ठीक है, अब ये कहां से कहां तक करते हैं? देखो ये इलियोसिकल जंक्शन तक करते हैं अपन, इंटेस्टाइन का सीकम और इलियम का जो जंक्शन है वहां तक करते हैं ये, टिल इलियोसिकल जंक्शन। ठीक है, इलियोसिकल जंक्शन तक करते हैं ये। ठीक है, ये जान लिया। अब इसके बाद में देखते हैं इसके बारे में कि इसकी एनाटॉमी कहाँ। देखो पहली चीज तो किसके लिए? स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। और कहां तक करते हैं? इलियोसिकल जंक्शन से। और किससे करते हैं? BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट से। दूसरा इसके बारे में देखते हैं, अब इलियोसिकल तो एंड जंक्शन है ना, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? ड्यूडेनम। एनाटॉमी देखिए, ड्यूडेनम टू इलियोसिकल जंक्शन। ठीक है, ड्यूडेनम से इलियोसिकल जंक्शन था। अब देखो मेरे को, आपको, मेरे को पूरा भरोसा है आप लोग सुपर इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो, आपको इंटेस्टाइन की पूरी एनाटॉमी आती है। ठीक है, और अपन अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट, इसमें इंडिकेशन, ये कौन कौन से इंडिकेशन होते हैं तब अपन ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देखिए इंडिकेशन, इंडिकेशन में फर्स्ट इन्फ्लामेशन इन बाउल लूप्स। क्या है? इन्फ्लामेशन इन बाउल लूप। इन्फ्लामेशन इन बाउल कि अगर इंटेस्टाइन के अंदर जो उसकी लेयर्स है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो रखा है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन अपन करते हैं। सेकंड एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन, किसी का पेट दर्द करता है, कॉलेज नहीं जाना हो तब,
तभी पकड़ के इसको कर दिया जाता है फटाक से तुरंत। ठीक है, अगर कई होता है ना, कईयों का मन नहीं होता कॉलेज नहीं जाना तो पेट दर्द हो रहा है हमारा, ठीक है, टेस्ट से बचने के लिए। नेक्स्ट है डायरिया। क्या है? डायरिया और वेट लॉस। डायरिया, वेट लॉस, किसी के डायरिया हो गए, ठीक है, वेट लॉस हो रहा है, तो अपन ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगला क्या है? पार्शियली ऑब्स्ट्रक्शन, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली ऑब्स्ट्रक्शन। पार्शियली ऑब्स्ट्रक्शन, अगर पार्शियली किसी के ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है तो उसके लिए करते हैं। सस्पेक्टेड मास, अगर मास सस्पेक्ट कर रहे हैं तो करते हैं। अगर इंटेस्टाइन में कोई मास सस्पेक्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट इज डायवर्टिकुला। क्या है डायवर्टिकुला? डायवर्टिकुला के लिए भी करते हैं। देखो, इन्फ्लामेशन का मतलब आपको पता है कि आंतों में सूजन आ जाना। दूसरा, एब्डोमन में अगर पेन है तो उसके लिए करते हैं। डायरिया है तो उसके लिए करते हैं। वेट लॉस किसी का अचानक ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए करते हैं। पार्शियली ऑब्सेक्शन है तो उसके लिए करते हैं। अगर मास सस्पेक्ट कर रहे हैं इंटेस्टाइन में, ठीक है, या फिर एब्डोमन में, तो उसके लिए करते हैं। और लास्ट डायवर्टिकुला, डायवर्टिकुला के लिए भी ये करते हैं। ओके, तो ये क्या है? इंडिकेशन। इन इंडिकेशनों में अपन ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर प्रेगनेंसी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी फ्रॉम कॉन्ट्रास्ट मीडिया, हाइपर सेंसिटिविटी फ्रॉम कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, अगर कॉन्ट्रास्ट से हाइपर सेंसिटिविटी है तो वो भी नहीं करेंगे। हाल ही में अगर जीआई ट्रैक की कोई सर्जरी हुई है तो भी अपन ये नहीं करेंगे। रिसेंट जीआई ट्रैक सर्जरी, ठीक है, हाल ही में अगर कोई सर्जरी हुई है तो भी अपन नहीं कर सकते, ठीक है। और लास्ट, अगर कंप्लीटली वॉल को ऑब्सेक्शन है तो भी अपन ये नहीं करेंगे। कंप्लीट वॉल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर वॉल का कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन है तो नहीं करेंगे। देखो, इंडिकेशन में क्या था? पार्शियली ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या है? कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। तो पार्शियली में तो अपन करते हैं लेकिन कंप्लीट है तो नहीं करते, करेक्ट है। आगे से देखो, प्रेगनेंसी है तो नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, हाइपर सेंसिटिविटी है तो नहीं करेंगे। तीसरा, अगर हाल में कोई सर्जरी हुई है जीआई ट्रैक की तो अपन नहीं करेंगे। और चौथा,
अगर आंतों में कंप्लीट रुकावट है तो अपन नहीं करेंगे, समझ गए? ये बात होगी किसकी? कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। अब देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बाद अपन देखते हैं अब इसमें नेक्स्ट कि अगर परफोरेशन और फिस्टुला डाउट कर रहे हैं, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इसमें नॉन आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं। नोट लगा के डाल लेना, इफ परफोरेशन और फिस्टुला इज सस्पेक्टेड देन, तब क्या करेंगे? नॉन आयोडिनेटेड, ठीक है, नॉन आयोडिनेट वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ठीक है, वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं। ठीक है, जब कब? अगर उसके परफोरेशन या फिस्टुला सस्पेक्ट कर रहे हैं। परफोरेशन का मतलब आपको पता है आंतों में छेद हो जा रहा है, ठीक है, और दूसरा फिस्टुला एबनॉर्मल पाथवे है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो अपन क्या करेंगे? नॉन आयोडिनेटेड यूज करेंगे। नेक्स्ट और क्या देखते हैं अपन इसमें? देखो इसमें अगले देखेंगे अब इक्विपमेंट, कौन कौन सी चीजें अपन को चाहिए ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इक्विपमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विथ टिल्टिंग टेबल, फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विथ टिल्टिंग टेबल, टिल्टिंग टेबल के साथ फ्लोरोस्कोपिक यूनिट अपन को इसमें चाहिए, ठीक है। साथ में अपन को क्या क्या चाहिए? हाई स्पीड इमेज रिसेप्टर, हाई स्पीड इमेज रिसेप्टर, ठीक है। नेक्स्ट और क्या चाहिए अपन को? देखो कॉन्ट्रास्ट मीडिया चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपन को कौन कौन से चाहिए? पहला तो अगर परफोरेशन डाउट कर रहे हैं तो कौन सा चाहिए अपन को? नॉन आयोडिनेटेड परफोरेशन और फिस्टुला में, और सेकंड अगर नहीं कर रहे हैं तो आयोडिनेटेड चलेगा, करेक्ट है? देखिए फिर उसके बाद में और देखते हैं कि एक चीज और चाहिए अपन को, क्या? गैस प्रोड्यूसिंग पाउडर, क्योंकि अपन ने बेरियम सोयलों में क्या की थी? सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। बेरियम मिल में भी यही की थी, सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। अब बेरियम मिल फॉलो थ्रू में भी यही करेंगे, सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। तो अपन को क्या है? गैस प्रोड्यूसिंग पाउडर चाहिए। गैस प्रोड्यूसिंग पाउडर सही है। तो ये चीज अपन को इसमें क्या एज इक्विपमेंट्स चाहिए, तब जाके अपन ये क्या कर पाएंगे? इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं पेशेंट की प्रिपेरेशन, अगला पॉइंट अपना पेशेंट प्रिपेरेशन। पेशेंट को क्या प्रिपेयर करना है? पेशेंट को बोलना है कि एग्जाम से 2 दिन पहले हल्की डाइट शुरू कर दे। आस्क द पेशेंट
टेक लो रेजिड्यूअल लाइट पीरियड ऑफ सॉरी 2 days पीरियड ऑफ 2 days पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन या फिर एग्जाम, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन से 2 दिन पहले वो क्या करे, हल्की डाइट लेना शुरू करे। दूसरा, पेशेंट को 2 दिन पहले हल्की डाइट के लिए बोल दिया और क्या कहेंगे कि एग्जाम से 1 रात पहले आप कुछ ना खाएं या फिर लगभग 6 घंटे पहले आप कुछ ना खाएं पिए, तो आस्क द पेशेंट टू डू नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग कब, एग्जाम से लगभग 6 घंटे पहले, थिंक पीरियड ऑफ अप्रोक्स 6 hours ऑफ एग्जाम, ठीक है, लगभग एग्जाम से 6 घंटे पहले या फिर एग्जाम से पहले वाली रात है उसके मिडनाइट के बाद, पीरियड मिडनाइट मिडनाइट ऑफ एग्जाम, एग्जाम से पहले जो रात है उसमें उसके बाद वो कुछ ना खाए, जैसे कि आज एग्जाम करनी है तो जो रात गई है उसके बाद वो कुछ ना खाए, सुबह से कुछ ना खाए, ठीक है, कुछ ना खाए पिए ताकि क्या हो सके, अपने आते क्लियर हो सके, ठीक है। अब पेशेंट को बोल दिया कि पहले 2 दिन पहले तो हल्की डाइट लेनी है और एग्जाम से लगभग 6 घंटे पहले या फिर 1 रात पहले कुछ भी खाना पीना नहीं है, ओके। साथ में और क्या करते हैं अपन, पेशेंट को कुछ लग्जेटिव एडवाइस करते हैं, एडवाइस लग्जेटिव टू द पेशेंट, लग्जेटिव टू द पेशेंट एडवाइस, लग्जेटिव टू द पेशेंट, पेशेंट को लग्जेटिव एडवाइस करते हैं, क्यों, ताकि उसकी आते क्लियर हो सके, ठीक है। ये तो हो गई क्या पेशेंट की प्रिपरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखते हैं अपन प्रोसीजर कि किस तरीके से अपन ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या करते हैं। प्रोसेसर की बात करते हैं, अब क्या करेंगे, पेशेंट आएगा, आएगा तो सबसे पहले उसको तो क्या करना है, पूरी प्रोसेस समझानी है, डिस्क्राइब होल प्रोसेस, टू द पेशेंट, पेशेंट को पूरी प्रोसेस समझा दी, फिर उसके बाद क्या करना है, पेशेंट से लेना है कंसेंट फॉर्म, साइन करा लेना है, ठीक है। पेशेंट से प्रोसेस समझाने के बाद में कंसेंट फॉर्म साइन कराना है, ठीक है, कंसेंट फॉर्म आपने साइन करा लिया, कंसर्न फॉर्म साइन कराने के बाद आप क्या कहोगे उसे कि भैया आपने जो आपके कपड़े पहन रखे हैं उनको उतार कर आप हॉस्पिटल के गाउन पहन लो, रिमूव
क्लोथ एंड गियर हॉस्पिटल गाउन किसको पेशेंट को बोलना है ना, आस्क द पेशेंट टू रिमूव द क्लोथ एंड वियर हॉस्पिटल गाउन, कि भाई अपने कपड़े उतार कर हॉस्पिटल का गाउन पहन लो। फिर उसके बाद आप पेशेंट को ले जाते हो कहाँ, एग्जामिनेशन रूम में। एग्जामिनेशन रूम में ले जाके कहाँ लेटाते हो, फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे। फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे ले गए। अब आपने क्या किया, अब पेशेंट को दिया आपने क्या, वाटर सोल्यूबल BaS फॉर बेरियम सल्फेट। पेशेंट को क्या दे दिया, BaS फॉर कितना दिया, लगभग 150 ml, लगभग 150 ml। ठीक है, आपने पेशेंट को 150 ml दे दिया क्या, कॉन्ट्रास्ट मीडिया 150 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया दे दिया। देने के बाद में आपने क्या किया, उसको बोला कि आप पी लो। पेशेंट ने पिया कॉन्ट्रास्ट मीडिया, पहले इसोफेगस में, फिर स्टोमक में, फिर उसके बाद छोटी आंत में, यानी कि ड्यूडेनम जुजेनम, और आगे जाएगा। तो जैसे ही कॉन्ट्रास्ट मीडिया वो पीता है पेशेंट, तो यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट क्या करता है, उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखता है। ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट क्या करता है, उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखता है। ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखता है किसके थ्रू, फ्लोरोस्कोपिक यूनिट के थ्रू। व्हाई, हेल्प ऑफ फ्लोरोस्कोपिक यूनिट। ठीक है, अब फ्लोरोस्कोपिक यूनिट के थ्रू उसने इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। अब क्या करते हैं, देखो कि उसको डॉक्टर देखता है कि हाँ कॉन्ट्रास्ट मीडिया स्टोमक तक पहुंच गया, तब उसको 400 ml और दे देते हैं। कितना, 400 ml। कितना दिया, अब 400 ml। अब 400 ml दे दिया, 400 ml देख के उसको बोला कि अब फटाफट पियो इसे, वो उसको पिएगा। ठीक है, अब जैसे ही पेशेंट ने वो पिया, पीने के बाद में पेशेंट को क्या कहते हैं कि आप अब राइट पोस्टीरियो ओब्लिक पोजिशन में आ जाएं। राइट पोस्टीरियो ओब्लिक एंड राइट साइड जो है उसकी, उसको अप कर ले, राइट साइड को अप कर ले। ठीक है, अब जैसे ही वो राइट साइड को अप करेगा, तो पहले स्टोमक में, ठीक है, राइट साइड अप की स्टोमक में, फिर उसको बोलते हैं राइट साइड को डाउन कर लो, तो वो कॉन्ट्रास्ट कहाँ चला जाएगा, ड्यूडेनम में। ठीक है, फिर उसके बाद पोजीशन चेंज करते हैं, पोजीशन में देखो क्या करते हैं, पहले तो अपन उसको बोलते हैं राइट पोस्टीरियो ओब्लिक में आने के लिए, फिर उसके बाद बोलते हैं कि राइट साइड को अप करने के लिए, है ना, यानी कि लेफ्ट पोस्टीरियर ऑब्लिक आ गया वो, तो लेफ्ट साइड नीचे हो जाएगी राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड नीचे ऊपर हो जाएगी, राइट साइड नीचे हो जाएगी, सॉरी, तो लेफ्ट साइड को ऊपर करते हैं अपन, लेफ्ट साइड कैसी कर ली, ऊपर कर ली। ठीक है, अब राइट साइड क्या हो गई, नीचे हो गई। अब जैसे ही लेफ्ट साइड ऊपर होगी, तो स्टोमक में से कौन बेरियम सल्फेट कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम में। ठीक है,
अब ड्यूडेनम में से आएगा, फिर ड्यूडेनम पे जाने के बाद फिर उसको और एक और उसकी पोजिशन चेंज करते हैं, उसको क्या कह देते हैं, आप प्रोन पोजिशन में आ जाओ, ठीक है, किसमें ले आते हैं, प्रोन पोजिशन, ठीक है, आप प्रोन पोजिशन में आ गया पेशेंट। अब इससे क्या हुआ कि अब कॉन्ट्रास्ट तो ड्यूडेनम से इंटेस्टाइन में जाएगा अब धीरे धीरे, लेकिन जो प्रोन पोजिशन में आया उससे पेशेंट, तो उससे उसकी इंटेस्टाइन है वो एकदम इक्वल हो गई, ओवरलैपिंग नहीं होगी, सब सेपरेट हो गई, ठीक है, एक दूसरे से सेपरेट हो गई प्रोन पोजिशन में आने की वजह से। अब जैसे ही वो प्रोन पोजिशन में आया तो लगभग 15 मिनट के बाद में रेडियोलॉजिस्ट उसको ऑब्जर्व करता है वापस कि भाई इंटेस्टाइन सेपरेट हुई या नहीं हुई, इंटेस्टाइन सारी सेपरेट हुई या नहीं हुई, इंटेस्टाइन सेपरेट हो जाती है, ठीक है, तो इंटेस्टाइन सेपरेटर होने के तुरंत बाद फिर अपन क्या करते हैं, इसकी एग्जामिनेशन ले लेते हैं, कब, अब देखो 15 मिनट बाद में उसने देखा कि जो कॉन्ट्रास्ट है वो ड्यूडेनम से जुजेनम में आ गया, ड्यूडेनम और जुजेनम के बीच में है, ठीक है, ड्यूडेनम और जुजेनम के बीच में, जैसे ही ड्यूडेनम और जुजेनम के बीच में कॉन्ट्रास्ट रहेगा तो रेडियोलॉजिस्ट उसकी क्या ले लेगा, इमेज, ठीक है, क्या ले ली उसने, इमेज, और जब कॉन्ट्रास्ट BaSO4 कहां था, बिटवीन ड्यूडेनम एंड जेजुनम, ठीक है, ड्यूडेनम और जेजुनम के बीच में जब कॉन्ट्रास्ट था, BaSO4 था, तब क्या ले ली उसने, इमेज ले ली। इमेज लेने के बाद में ये तो हो गई किसकी, ड्यूडेनम और जुजेनम की पैथोलॉजी, इसमें अपन को दिख जाएगी। फिर उसके बाद क्या करते हैं, और थोड़ा सा वेट करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट हर आधे घंटे में ऑब्जर्व करता है, हर 30 मिनट में पेशेंट को ऑब्जर्व करता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया कहां तक पहुंचा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन हुआ, ऑब्जर्व किया कितने में, हर आधे घंटे में उसे ऑब्जर्व करता है। अब जैसे ही कॉन्ट्रास्ट मीडिया इलियोसिकल जंक्शन तक पहुंच जाता है तब इसकी इमेजें वाकई की ले ली जाती है। अब BaSO4 कहां पहुंचा, कहां पहुंचा BaSO4, इलियोसिकल जंक्शन पे, इलियोसिकल जंक्शन में पहुंचा था, वो अपने क्या ले लिए, फिर इसके हम इमेजें लेंगे, क्या ली, फिल्म, ठीक है। अब ये ले लिए अपने क्या, सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी की थी ये, अब इसमें कहीं गैस प्रोड्यूसिंग पाउडर का यूज हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो इससे अपन क्या पता चला ये कौन सी थी, सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, आ गया समझ में, ठीक है। तो अपन ने यहां पर क्या ले लिया, अब इसकी फिल्म ले ली, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो उसके बाद में अब करेंगे अपन क्या, इसकी डोल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, क्या करेंगे, डोल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। अब डोल कॉन्ट्रास्ट स्टडी में इसमें क्या फर्क है, बस सिर्फ इतना सा ही फर्क है कि जब कॉन्ट्रास्ट यानी BaSO4 कहां पहुंचेगा, इलियोसिकल जंक्शन पे पहुंचेगा, टर्मिनल इलियम पे पहुंचेगा, तब क्या कर देते हैं, गैस प्रोड्यूसिंग पाउडर घोल के पेशेंट को दे देते हैं पीने के लिए, और उसको क्या मना कर देते हैं, डकार मत लेना। तो वो गैस कहां जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी, और इंटेस्टाइन प्रोमिनेंट होगी, तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, वापस से इसकी इमेज ले लेंगे, आ गया समझ में, इतना सा फर्क है इसमें और उसमें, और कुछ खास फर्क नहीं है। दूसरा, इसकी कुछ एडिशनल फिल्मिंग भी की जाती है, एडिशनल फिल्मिंग की, देखो कैसे कि एब्डोमन को देखने के लिए, पूरे एब्डोमन को देखने के लिए अपन क्या करते हैं, एक इरेक्ट पोजीशन में फिल्म लेते हैं, यानी कि एडिशनल फिल्मिंग की बात करें, एडिशनल फिल्म,
ठीक है, अन्य कौन सी फिल्म जाती है? तो पहले तो होगी पोजिशन, तो कौन सी? रेक्ट में तो क्या देखेंगे? एब्डोमन पूरा, ठीक है, पूरा एब्डोमन देख लिया इरेक्ट पोजिशन में, एडिशनल फिल्मिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा और कौन सी? कि अगर बॉल लूप को सेपरेटली देखने के लिए अपन क्या करते हैं, मैंने बताया था कि पेशेंट को किस पोजिशन में ले गए थे? प्रॉन पोजिशन में। किसके लिए करी की अपने ये? बॉल लूप्स के लिए, ठीक है। तो ये होगी इसकी एडिशनल फिल्मिंग हो गई, ठीक है। अब देखो ये बात हो गई किसकी? अपनी फिल्मिंग की, डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, दोनों के बारे में बात हो गई। पेशेंट का सॉरी प्रिपरेशन अपन ने देख लिया, कहां से कहां तक के हैं वो कर देख लिया। अब देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट, आफ्टर केयर, एग्जाम के बाद में क्या करते हैं, कौन कौन सी केयर रखते हैं? आफ्टर केयर में सबसे पहले तो पेशेंट को बोलना है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ठीक है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटर। एंड सेकंड इज कि नेक्स्ट 2 डेज फिकल मेटल विल बी ब्राइट। ओके, तो क्या होगा कि आपके आने वाले 2 दिन तक हो सकता है कि फिकल मेटल आपका व्हाइट हो। ओके, तो ये क्या है? आफ्टर केयर। तो इन चीजों का अपन ध्यान रखते हैं, पेशेंट को समझाते हैं कि आप घबराएं ना, ठीक है। तो ये हो गई बात किसकी? आफ्टर केयर की। अब इसके एक्सरे देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका एक्सरे दिखाई देता है। ये देखिए, जब आप ये एग्जामिनेशन करोगे तो इस तरीके से इसका एक्सरे दिखाई देगा। इन द केस ऑफ, एक चीज और मैं बताऊं, अगर इन द केस ऑफ की आपकी इंटेस्टाइन सेपरेटली नहीं दिख रही है तो पेशेंट को प्रोन पोजिशन में लेटा के और कंप्रेशन बेल्ट से टाइट कर देते हैं उसके एब्डोमेन को, ताकि जो इंटेस्टाइन है वो सेपरेटली दिखे। आइए समझ में। अब देखो ये क्या, अपन ने एक्सरे इसका क्या है? BMFT। अब इसमें कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, आया यहां से स्टार्ट हो गया, ड्यूडेनम से अच्छा से दिख रहा है, ड्यूडेनम दिखा, जुजेनम दिखा और इलियम दिखा, ठीक है। ये अपन ने इसकी के लिए पूरी इमेज और इंटेस्टाइन अपनी सेपरेटली इसमें से अच्छे से दिख रही है। अगर यहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता तो ये, जैसे कि अगर जुजेनम में ऑब्स्ट्रक्शन होता तो ये क्या कॉन्ट्रास्ट यहां तक ही आता और आगे खाली रहती तो अपन को पता चल जाता, ठीक है, फर्स्ट चीज। दूसरा, अगर कहीं मांस होता तो अपन को इसमें अच्छे से दिख जाता, ठीक है, सेकंड चीज। थर्ड चीज, अगर इसमें कहीं इंफ्लामेशन होता तो इसकी बॉल अपन को अच्छे से दिखती, ठीक है, मोटी एकदम अच्छे से, तो उसका पता चल जाता है। आ रहा है समझ में? तो इन सारी चीजों का इसमें पता चल जाता है। अब देख रहे हो आप कि, अब एक चीज और है कि एक पैथोलॉजी है जिसको कहते हैं SMA, सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम, सुपीरियर मिजेंटिक आर्टरी सिंड्रोम, वो भी हो जाता है कई बार, ठीक है। उसमें क्या होगा मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, उसमें होता क्या है। तो इस एक्सरे में कुछ इस तरीके से ये दिखाई देता है। तो आज आज की वीडियो में अपन ने पढ़ा BMFT, बेरियम मील फॉलो थ्रू, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।